हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास आज का सेगमेंट जो बाइक का सेगमेंट है उस बजाज का गाड़ी है पल्सर 125 सीसी नियॉन कलर का। तो आप यहां पे ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन में देख सकते हो ये गाड़ी का। इस गाड़ी का एक और कलर आता है ब्लैक एंड सिल्वर। ये गाड़ी आपका डिस्क ब्रेक एंड स्प्लिट सीट में आती है। इसका ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूँ तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको है 1 लाख रुपीज़। इसका ऑन रोड प्राइस अगर एक शोरूम प्राइस की मैं बात करूँ तो आपको ये 70 से 82 हज़ार रुपये का आपका पल्सर का सेगमेंट है, उसमें से आपको ये 82 हज़ार का इसका एक शोरूम प्राइस है। तो जैसा मैं इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इस वीडियो में आपको बने रहिए। और इसका सबसे पहले मैं इंजन पावरफुल इंजन की बात करूँ तो इसका 124 सीसी का इंजन है। 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ट्विन स्पार्क VS6 कंप्लेंट DTS वाला इंजन है। और इसमें एक सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर जो यूज़ किया जाता है उसमें एक सिलेंडर यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 125 सीसी का जो आपको ये जो मॉडल है इसका नाम जो मॉडल का नाम है वो 125 सीसी नियॉन मॉडल नाम है। इसका जो मैक्सिमम पावर जो गाड़ी का स्पीड भागने के लिए मैक्सिमम पावर जो जनरेट करता है 11.8 PS एट द रेट 8500 RPM वैल्यू तक ये गाड़ी भागती है। इसका टॉर्क जो गाड़ी है टॉर्क प्रोवाइड करता है तो 10.8 नैनोमीटर एट द रेट 6500 RPM तक ये टॉर्क प्रोवाइड करता है। इस गाड़ी का आगे वाला जो टायर है, जो आगे का चक्का है, जो आगे का टायर है वो डिस्क में आता है। पीछे का ड्रम सिंगल चैनल, इसमें ABS नहीं मिलता है, ये गाड़ी बिना ABS की है। ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम पे बेस्ड है, यानी कि अगर आप पीछे का जो ब्रेक आप लोगे तो आपको आगे भी ब्रेक लगेगा और पीछे भी लगेगा, यानी कि आप यहाँ पे चक्का आपको रगड़ा रहे हैं कोई काम नहीं आने वाला है, तो आप ये समझ लो। अब मैं बात करूँ इसकी टैंक का कैपेसिटी की, यानी कि आप इस टैंक में कितना पेट्रोल रख सकते हो। तो इसका 11.5 लीटर का पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है। ये बाइक कौन सा टाइप का आता है तो ये कॉम्यूटेटर टाइप बाइक है, यानी कि कॉम्यूटेटर बाइक से आता है। इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। इसका मीटर जो है आपको इसमें इसका जो मीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर जो आता है इसका, वो सारे डिजिटल मिल जाएंगे। इसका फ्यूल गेज यानी कि आप फ्यूल बताता है, यस। इसमें गियर 5 गियर आपको मिल जाएगा, 1 आगे 4 पीछे। इसका एनलोगस जो गाड़ी का जो एनसोल है, जो आगे का जो व्यू है, वो एनसोल इसका डिजिटल है। और एक का सिर्फ काटा मीटर है। और इस गाड़ी का सस्पेंशन की बात करूँ तो इसका जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है, ट्विन गैस वाला सस्पेंशन है, यानी कि रियर में जो है ट्विन गैस शार्क सस्पेंशन है। और मैं बात करूँ इस गाड़ी की लंबाई की तो 2042 मिलीमीटर का लंबाई, इस गाड़ी का लंबाई है। चौड़ाई की बारे में बात करूँ तो 765 मिलीमीटर का चौड़ाई है। इसका मैं हाइट की बात करूँ तो 1060 मिलीमीटर इसका हाइट है। इसका जो हेडलाइट डाटा है वो आपको हेलोजन मिल रहा है, यानी कि वो पीलापन वाली लाइट देगा। हेलोजन का मतलब होता है LED नहीं मिलता है। इसका बैटरी मिनिमम 12 वोल्ट का बैटरी आता है। इसमें आपको एक साइड बैटरी मिल जाएगा या एमरॉन का बैटरी मिलता है। और इस गाड़ी के मैं सबसे अच्छी बात बताऊँ तो इसका माइलेज, इसका माइलेज आपको 45 से 50 किलोमीटर की माइलेज देता है ये गाड़ी। और ये गाड़ी बहुत ही धासु गाड़ी आया है, ये मीडियम लेवल फैमिली के लिए बहुत ही बेस्ट बाइक आपको अच्छा लगेगा ये गाड़ी। आप डिलीवरी बॉय भी, मैंने देखा है कि डिलीवरी बॉय भी इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, यानी कि इसका माइलेज अच्छा है। इसका मतलब अभी आपको स्पोर्ट्स बाइक भी मिल जाता है और एट्रैक्टिव लुक वाला सस्ता, चीपेस्ट एंड बेस्ट माइलेज वाली गाड़ी आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलेगी। इसका वज़न ज़्यादा होने के कारण ये गाड़ी थोड़ा हैवी भी प्रोवाइड करता है। इसका वज़न 142 का वेट है, इसका वज़न गाड़ी का केजी का वेट है अप्रॉक्सीमेट, एंड अलग अलग वेरिएंट का अलग अलग वेट। सीधा सीधा मैं बात करूँ तो इस सेगमेंट में गाड़ी आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये गाड़ी को मैंने भी परचेस किया है। अगर आप चाहते हो तो इसके आगे और पीछे दोनों ड्रम ब्रेक आता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ड्रम ब्रेक ही लो। प्लेन सीट में भी गाड़ी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा लगता है ये गाड़ी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, अगर नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना वीडियो को, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देकर ही जाना।